हेलो गाइज, आप सब लोग कैसे होंगे? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसे आपका यूट्यूब चैनल है और आपका चैनल पे आपका नाम जो है सर्च में नहीं आता है, अपने चैनल का नाम डालते हैं यूट्यूब चैनल पे और उसमें सर्च में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें कि आपका सर्च में नाम आने लगे। जैसे गाइज आप देख रहे हैं, मेरा यहाँ राजू यादव टेक है और यहाँ मेरा सर्च में नाम आने लगा है और ऐसे ही आपका भी नाम आने लगे सबसे ऊपर। तो गाइज कैसे करना है कि मेरा भी नाम सर्च में आने लगे? तो गाइज चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपका नाम कैसे सर्च में आने लगे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए गाइज, चलिए बिल्कुल ना देर करते हुए आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है कि आपका भी चैनल आपका नाम सर्च में आने लगे। तो चलिए गाइज बिल्कुल ना देर करते हुए आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे, वहां मैं बताता हूँ। हेलो गाइज, आगे यहाँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको अपना नाम सर्च में लाएं और कैसे सीखना है आपको। तो चलिए गाइज, सबसे पहला नंबर आपको यहाँ पे देख रहे हैं क्रोम है, तो आपको क्रोम यहाँ पर ओपन कर लेना है। जैसे आपको अपना क्रोम ओपन कर लेना है, यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ जैसे मैंने लिखा है ytstudio.youtube.com, यहाँ पे आपको इसको टाइप कर देना है, लिख देना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे किया तो आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद आपको क्या गाइज क्या कर लेना है कि आपका कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाए। चलिए हम इसको रोटेट कर लेते हैं। जैसे हमने रोटेट कर लिया तो क्या है इससे कि बड़ा बड़ा दिखाई देगा, तो गाइज इससे बड़ा बड़ा इससे दिखाई देगा ताकि आपको समझ में आए गाइज। चलिए आप क्या कर लेना है, यहाँ पे मेरा YT स्टूडियो खुल गया है, तो गाइज आपको इसी तरह ओपन कर लेना है जैसे मैंने किया है, आपको लॉगिन हो जाना है अपने YT स्टूडियो में। तो गाइज आपको सिंपल क्या कर लेना है, यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में आ जाना है। जैसे मैंने यहाँ सेटिंग पे आ गए तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ गया। तो गाइज अब आपको यहाँ चैनल लिखा हुआ है, चैनल पर आ जाना है। जैसे मैंने यहाँ चैनल पर क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ गया। तो अब गाइज आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बेसिक इन्फो लिखा है, तो आपको थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेना है। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे जो कीबोर्ड लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए कीबोर्ड, तो इसी से आपका नाम सर्च में आएगा, मेन चीज़ आपका कीबोर्ड है। तो गाइज जैसे आप देख सकते हैं राजू यादव टेक, राजू यादव यादव राजू टेक टेक, तो इसी तरह आपको भी जो भी आपका चैनल का नाम है इसी तरह आपको कीबोर्ड में लिख लेना है। तो चलिए गाइज, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ, कुछ और भी डाल लेते हैं, हिंदी अंग्रेजी में दोनों भी आपको डाल लेना है गाइज, ओके। तो चलिए मैं इसमें जो है अपना नाम डालते हैं गाइज। तो जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ मैंने क्लिक किया, ओके, यहाँ आपको लिख लेना है, जैसे मैंने हिंदी में अपना कर लेते हैं क्योंकि हिंदी में भी ढेर सारे लोग ढूंढते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ओके, राजू यादव टेक, ओके। इसी तरह जो भी आपका चैनल का नाम है यहाँ पे लिख लेना है गाइज, ओके। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे अभी हाल में मैंने लिखा है राजू यादव टेक। इसी तरह जो भी है आपका नाम है, ढेर सारा आपको नाम ऐसे ही लिख लेना है। तो गाइज इससे क्या है, कीबोर्ड से आपका नाम सर्च में आने लगता है, यूट्यूब चैनल पे हो या आपका गूगल पे ढूंढेंगे वहाँ पे भी आपका नाम लिख सबसे ऊपर आ जाएगा। तो गाइज इसी तरह आप भी ट्राई करिए, बिल्कुल 100% आपका सर्च में नाम आने लगे। तो गाइज अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कर देना और चैनल में सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।